पैसा कीमती है या समय? मोस्ट ऑफ अस विल से समय, पर जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी हम पैसे को कीमती बनाने लग जाते हैं। हम फिलोसॉफिकली मानते जरूर हैं कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है, बट जब खुद की बारी आती है तो हम पैसे कम बचाने निकल जाते हैं, समय को वेस्ट होने देते हैं। आप अग्री करेंगे मुझसे, आप भी शायद मानते हैं ये बात कि समय बहुत कीमती है, पर जब पैसे बचाने की बात आती है तो आप 2, 4, 5, 10 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देते हो कुछ 1,000 रुपये बचाने के लिए। करते हो या नहीं? बिल्कुल करते हो। कैसे? हाउ डू यू स्टॉप वेस्टिंग ये घंटों का समय, उस कीमती समय को बचाने के लिए? हाउ डू यू स्टॉप डूइंग दैट? यू नो, हम घंटों वेस्ट कर देते हैं। हम कैसे अपने समय को अपने वॉलेट से ज़्यादा कीमती बनाएं? हम कैसे अपने हाथ वाली इस घड़ी को ज़्यादा कीमती बनाएं अपने इस वॉलेट से? कैसे कीमती बनाएं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे हम अपने समय को कीमती बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, पहले तो अपनी सोच को कीमती बनाओ बॉस। महंगा सोचो, बड़ा सोचो, अपने समय को इतना महंगा बना दो, अपने हर सेकंड को, अपने हर मिनट को, अपने हर घंटे को इतना महंगा बना दो खुद के लिए कि आपको उसे खर्च करने में ना बहुत दुख हो। शिट मैन, आई लॉस्ट माई 30 मिनट्स, बिकॉज वो वापस आपके पास नहीं आने वाला। तो सबसे पहली चीज, अपनी सोच को महंगा बनाओ, अपने समय को खुद महंगा बनाओ, खुद के लिए महंगा बनाओ। खुद आप अपने समय को वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू। पहले आपको अपने समय को महंगा बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे आपके समय को महंगा बनेंगे। अगर आप अपने समय को वैल्यू नहीं देते तो दूसरे कभी नहीं देंगे। सो पहले तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको खुद के समय को बहुत कीमती बनाना है, खुद के लिए कीमती बनाना है। आप खुद अपने समय को वेस्ट नहीं कर सकते। आप हर मिनट को, हर सेकेंड को, हर आधे घंटे को, हर एक घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो, आप उसे वेस्ट नहीं करते। सो नंबर वन, आप अपने समय को बेश कीमती बनाओगे। नंबर टू, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो आपको आपके गोल्स से दूर लेकर जाता है या आपके गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प नहीं कर रहा। बहुत हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो ज़रूरी तो होती हैं, बट वो हमें हमारे गोल्स के पास लेके जाने में हेल्प नहीं कर रही होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर अ वेरी जनरल एग्जांपल, हम हर दिन सुबह 2 घंटे वेस्ट करते हैं सब्जी या दूध लाने में। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच हैज़ टू बी डन, बट क्या ये ज़रूरी है कि ये मैं करूँ? क्या इसके लिए मैं किसी को रख सकता हूँ? 5,000, 8,000 या 10,000 पूरे महीने का लेगा एंड ही विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज एरेंट्स। मुझे अब और 2 घंटे वेस्ट नहीं करना होगा, इस 2 घंटे में मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करूंगा जो मुझे मेरे गोल के पास लेकर जाएगी। बट अगेन, आपको अपने समय को कीमती बनाना पड़ेगा इस 2 घंटे को वैल्यूएबल बनाने के लिए और उस 8,000 या 10,000 के बंदे को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहले आपके अपने समय को कीमती बनाना है, फिर ऐसी एक्टिविटीज जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने से दूर कर रही है, उन एक्टिविटीज़ को करने से रोकना है। नंबर थ्री, आपको अपने काम को प्लान करना है। आई से इट, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। सो विदाउट प्लानिंग आप काम अगर करते हो, इट विल ऑलवेज बी अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट। स्टॉप नॉट प्लानिंग योर वर्क, स्टॉप प्लानिंग योर वर्क इन योर माइंड। हैव योर प्लान ऑन अ पेपर और अ नोटबुक। हैव अ डेली प्लान, हैव अ वीकली प्लान, हैव अ मंथली प्लान एंड हैव अ ईयरली प्लान फॉर योरसेल्फ। सो प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। नंबर फोर, आपकी फिटनेस लेवल, आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ शुड बी एट इट्स बेस्ट। बिकॉज अगर आपका फिटनेस लेवल, हेल्थ, आपका हेल्थ, आपका माइंड का फिटनेस इज नॉट एट इट्स बेस्ट, आप घंटों वेस्ट कर दोगे बिना कुछ किए। आप इतना लेजी फील करोगे, आप आलसी फील करोगे कुछ भी करने को। सो कीप योर फिटनेस लेवल एट इट्स बेस्ट। वर्कआउट करिए, योगा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए एंड कीप योर बॉडी एट इट्स बेस्ट, सो दैट आप 2 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकें। आपका दिमाग बिल्कुल तेज दौड़े,
आप बहुत एक्टिव रहें, आपका दिमाग बिल्कुल तेज चले। सो उसके लिए आपके माइंड को, आपके बॉडी को बहुत फिट रहना होगा। सो मेक श्योर आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल टॉप लेवल पे हो। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं, अगेन जितना जैसे हम ये जानते हैं कि समय बहुत कीमती है, बट फिर भी पैसे खर्च करते हैं, पैसे ज़्यादा बचाते हैं, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। हम सबको पता है यार, बुक्स पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं, बट हम पढ़ते बिल्कुल नहीं है। मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, 2 या 3 मिनट या 4 मिनट बुक्स पढ़ते ही ना नींद आने लग जाती थी। बट जब मैंने बुक्स पढ़ने की आदत डाली, जब मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा दैट 1 घंटे में मैं 50 सालों के एक्सपीरियंस को सीख रहा हूँ। 1 घंटे में मैं 50 सालों के एक्सपीरियंस को सीख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, किसी ने उस बुक में 50 साल लिखा है। सो मैं अगर 1 घंटे में 50 साल की चीज़ों को सीख जाता हूँ, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। अगर मैं 10 बुक पढ़ लेता हूँ, मेरे पास 500 घंटों का एक्सपीरियंस आ जाता है। इतने घंटे तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं जी पाता। सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स एवरी डे। 1 घंटे 2 घंटे के लिए बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग वंडरफुल डिफरेंस इन योर लाइफ। हम द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल स्टार्ट सेविंग फॉर योर सेल्फ बाई लर्निंग दोज थिंग्स, यू विल स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स दैट यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, एंड यू विल बी वर्किंग एट अ मोर, यू विल हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यस, यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। सो नंबर 5, बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, एंड दोज बुक्स शुड बी मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। डू नॉट रीड दोज साइंस फिक्शन बुक्स बिकॉज दे विल बी वेस्टिंग योर टाइम। स्टार्ट रीडिंग दोज रियल लाइफ स्टोरीज, स्टार्ट रीडिंग दोज मोटिवेशनल बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू योर बिजनेस, स्टार्ट रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू योर लाइफ, दैट हेल्प्स यू इन अचीविंग योर गोल, नॉट जस्ट डूइंग अ टाइम पास, बिकॉज अगेन आपका समय बहुत कीमती है। सो आप वही चीज़ करेंगे जो आपको आपके गोल्स के पास जाने में हेल्प करेगी। सो जब हम और ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आदत की बात करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है ओवर क्वान्टिटी ऑफ लाइफ। हम क्वालिटी पे फोकस करना ज़्यादा लग जाते हैं देन स्पेंडिंग क्वान्टिटी ऑफ योर लाइफ। हम अगर 10 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकते हैं, तो वाई टू स्पेंड एक्स्ट्रा 9 आवर्स ऑन डूइंग दैट सेम वर्क। सो हमें फोकस करना है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ टाइम को इम्प्रूव करने में। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ? वन वेरी सिंपल थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, बिकॉज उससे आपको 50 सालों का एक्सपीरियंस 1 घंटे में मिल जा रहा है। 50 सालों के एक्सपीरियंस को जब आप 1 घंटे में पढ़ ले रहे हो, तो आप वही गलती रिपीट नहीं कर रहे हो, आप वही चीज़ नहीं कर रहे हो जो उसने की। आप डायरेक्टली उसके 50 साल के एक्सपीरियंसेस से सीख कर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जा रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम इंप्रूव हो जा रही है, बिकॉज अब आप 2 घंटे के काम को आधे घंटे में कर दे रहे हो, बिकॉज आपके पास अब वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है फ्रॉम द बुक दैट यू रेड। सो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। एक और चीज़ जो ज़रूरी है अपने क्वालिटी ऑफ टाइम को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ बीइंग फोकस्ड। जब आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए। आपका माइंड शायद हमेशा बोलेगा, जैसे ही आप फोकस करना स्टार्ट करोगे, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक मैसेज आएगा, किसी का कॉल आएगा, अचानक से याद आएगा, यार 2 दिन पहले किसी ने कॉल किया था मुझे, मैं उसको रिप्लाई नहीं किया। लेट इट बी फॉर लेटर स्टेज। उस समय सिर्फ आप वही काम करेंगे जो आपने प्लान किया था और जो आपने करने बैठा है, आप और कुछ नहीं करेंगे उस समय में, ऑटोमेटिकली विद दिस डीप फोकस। सो कैसे अपने समय को कीमती बनाने वाले हैं आप? पहले खुद के लिए अपने समय को बेशकीमती बनाना है। नंबर 2, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है। नंबर 3, आप अपने काम को प्लान करने वाले हैं। नंबर 4, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 5, आप अपने फिटनेस लेवल को बेस्ट करने वाले हैं। नंबर 6, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड को इम्प्रूव करने वाले हैं ओवर क्वांटिटी ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। नंबर 7, आप डीप फोकस्ड रहने वाले हैं टू वॉट एवर यू डू। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड विद ऑल द अदर एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग अराउंड यू और अराउंड इन योर ब्रेन, बट यू आर फोकसिंग ऑन वन एक्टिविटी एट अ टाइम। आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन्स कैन नॉट मल्टीटास्क, सो डू नॉट ट्राई टू मल्टीटास्क लाइक अ मोबाइल डज। ऑलवेज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रिजल्ट दैट यू आर एबल टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ एंड हाउ योर टाइम
gradually becomes more and more expensive. It won't become expensive at a go, but it will slowly become very, very expensive, and you will see how your quality of life changes because your quality of time is changing. Yes.